हेलो दोस्तों, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा रहेगा, ज़्यादा बड़ा शायद ना हो, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं कश्मीरी फाइल्स मूवी देखने। ठीक है, तो मूवी देखने जा रहे हैं, मीन्स एक्चुअली मैं कहता लेट इसलिए हो गए मूवी के लिए क्योंकि लास्ट वीक होली पड़ गई थी, तो हम लोग गाँव चले गए थे। और इस वीक बेसिकली पापा जी हम लोग पूरी फैमिली जाने का प्लान था, तो पापा जी के साथ अगर जाना है तो मतलब संडे को ही जा सकते हैं, उसी दिन छुट्टी रहती है। उससे पहले और मीन्स दिन में थोड़ा सा मतलब कुछ ना कुछ काम पड़ जा रहा था, तो इस बार छुट्टी हुई है तो पापा जी के साथ हम लोग सुबह 9 बजे वाला शो देखने जा रहे हैं। तो ये सीन है आज का। और तो बस आज निकलते हैं, अभी बस तैयार हो चुके हैं और निकल ही रहे हैं रूम से। तो सोचे कि स्टार्ट करें व्लॉग यहीं से और थोड़ा बहुत मतलब कि कैप्चर करेंगे रास्ता रास्ता, और आपको बताएंगे कहाँ जा रहे हैं देखने के लिए और कैसी मूवी रही, उसका रिव्यू मैं आपको ट्रूली बताऊंगा कैसा है। ठीक है, और उसकी हाइप बहुत ज्यादा बताई जा रही है, कैसी है क्या चीज है, तो मतलब देखते हैं कि किन लोगों के लिए बेनिफिशियल, क्योंकि ये चीज का भी कोई बता नहीं रहा है कि वो एडल्ट लोग देख सकते हैं कि नहीं। जैसे कि अगर 50+ एज वाले लोग हैं वो इस मूवी को देखने जाएं कि ना जाएं, वो चीज किसी ने बोली नहीं। ठीक है, तो वो भी हम इस पे बात करेंगे कि ये मूवी उन लोग के लिए है कि नहीं है। ठीक है, और क्या ये चीजें मतलब दिखानी चाहिए नहीं दिखानी चाहिए, सब चीजों पर बात करेंगे। बहुत सारी न्यूज पे आपके सामने सब चीजें चल रही है ना, उन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। थोड़ा लेट हो गए लेकिन बात जरूर करेंगे। और ये रहे बनकी बाबा के दर्शन। जय हो बनकी वाले बाबा की। ये शनि भगवान जी की मूर्ति है ना बगल वाली, ये काली माता, काली माता देखिए आप लोग, ये सामने से ना एक कूड़े गाड़ी जा रही है और खुली हुई है, उसके पीछे जितने भी है ना सब मतलब गिराते हुए चल रहा है बंदा। कूड़ा गाड़ी होती है हमारे यहाँ कि मतलब लोग पीछे खुला पड़ा है, पीछे पन्नी गिर रही है, सब गिर रही, कोई मतलब नहीं है, मजा कहीं चल रहा है। ऐसे अभी हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं जलेबी खाने के लिए, गर्म गर्म निकल रही सुबह टाइम पे। तो इस टाइप की जलेबी रहती है यहाँ पे, मतलब एक तरह से गोल टाइप की बनाते हैं, बहुत स्वादिष्ट जलेबी है। और ये रहा सिनेमा हॉल, सन्नाटा है। सुबह का शो बहुत कम लोग देखने आते हैं। We are committed to take care of your every safety and comfort. We request you to kindly follow the measures implemented by us for your safety. Please maintain social distancing at all common areas and while queuing and seating. We're facing. मूवी खत्म हो गई है, लगभग देख ली है पूरी कंप्लीट। अब आपको घर पे चल के बताते हैं इसके बारे में, कैसी थी, क्या था इसमें, सब बताएंगे। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे साथ आज कर रहे हैं लंच आउटिंग, मूवी वॉच कर ली है, अब लंच करने आए ना। आरुल, आरुल को बड़ा मन है, पूरे हॉल में आरुल ने ना मतलब किसी को सोने नहीं दिया हॉल में पूरे। इसका जो थर्ड पॉइंट जो है ना उसको पढ़िए, वी डोंट सर्व एनी MRP प्रोडक्ट एक्सेप्ट मिनरल वाटर। वो क्या है, ये है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर। देखो वो वहां विजेता टैंक, दो दो रखे हैं ये है लघु शास्त्र निर्माण गन फैक्ट्री, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर। हम समझ लीजिए 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर है उस रेंज का एरिया है, पूरा लाइन बाउंड्री बनी हुई है, गन फैक्ट्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सारी लाइन है, सब सरकारी। ये रहा पुराना वाला पावर हाउस की चिमनी भराना, और ये रही नए वाले पावर हाउस की चिमनी, इतना फर्क है जी, इतनी बड़ी हो गई। अल्ट्रा पावर ये सही है। गाइस आपको भगवान शनि देव की दर्शन कराते हैं। सो ये रहा हमारे यहाँ का शनि देव मंदिर,
शनि देव भगवान, राधा कृष्ण और भोलेनाथ, पीपल जी का पेड़, हनुमान जी और दुर्गा माँ। मैं बहुत जल्द पूरे मंदिर का सही से टूर आपको दूंगा। आरुल क्या हो गया, पैर बांध दिए गए तुम्हारे? हैं ये क्या हो गया है आरुल, तुम्हारे पैर बांध दिया गया है, कहीं जा ना पाओ? हाँ पापा ने बांधा है। क्या हो गया आरुल, पीछे गिर गया है वो? हाँ पीछे है, पीछे उसको खींच के वो लेकर जा रहा है, आरुल पूरा खींचते हुए ले जा रहे उसे। हाँ ये क्या हो गया आरुल, हाँ खींच लो। अरे वाह, आरुल खड़े होने जा रहे हैं, पैर से ले खींच के खड़ा कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया। हेलो दोस्तों, तो आज ना अपन एक चीज लेके आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज, फिर आप लोग बताइए क्या करते हैं। हम लेके आए हैं, जैसे कि हम लोग बहुत सारे टेम्पल्स जा रहे हैं घूमने, ठीक है, तो टेम्पल्स जितने भी जा रहे हैं उनके दर्शन, या बोल दीजिए एक तरह से दर्शन तो यूट्यूब पे आपको मिल ही जाएंगे सारे, और साथ में हम ट्राई कर रहे हैं कि उनका ना एक पोर्टफोलियो टाइप का हम बनाएंगे सारे मंदिरों का, और याद के तौर पे रखेंगे कि हम यहाँ यहाँ घूम के आए हैं, वो कहाँ पड़ता है, कितनी दूर है, सब कुछ हम अपने उससे पता रखें। तो उसके लिए हम क्या लेके आए, मैं आपको दिखाता हूँ। ना हम लोग ये लेके आए, इसमें क्या है, ये वाली एक फाइल लेके आए जिसमें पेज वाले घुसते हैं, और कलर शीट्स लेके आए जिसपे हम लोग जितने भी फोटोज खींच रहे हैं उनकी एक एक फोटो उसमें डालेंगे, इतने सारे पेजेस लेके आए। और ये हैं ट्रांसपेरेंट पेजेस जो हर एक पेज के बाद लगाएंगे, जिससे मीन्स अच्छा रहे, दिखने में अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सोचा है, अभी करेंगे, फिर मैं आपको सही से दिखाऊंगा कि मैं करना क्या चाह रहा था और कैसा लगता है करने के बाद। तो प्लीज मुझे बताइएगा कि जब मैं इसको दिखाऊं तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगता है और क्या रहता है सीन, और कोशिश करते हैं कि आपको सारे देवी देवताओं के दर्शन कराएं, जितने भी मंदिर आपको आसपास कानपुर के पता है सब कुछ है। तो सैटरडे संडे को हम लोग घूमने जाएंगे, अराउंड जितने भी टेम्पल्स हम घूम सकते घूमेंगे, और वीक डेज में शाम के टाइम पे अराउंड, मेरी देखिए जॉब जो है वो 9 to 5 है, तो 5 के बाद हम लोग कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, वहां से फिर मंदिर के दर्शन या ब्लॉक का एक आपको दिखा सकते हैं। तो चलिए, मजा तो बहुत आएगा और देखते हैं कैसा रहता सब कुछ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जो हमने आज मूवी देखी, कश्मीरी फाइल्स। मूवी कैसी थी? तो देखिए मूवी थोड़ी सी, यार पता है क्या, मैं एक चीज बोलूंगा कि ये चीज थोड़ा मीडिया ने कवर नहीं किया, वो चीज कवर करने के लिए मैं बताता हूँ। जैसे कि यार जिनकी एज 45 के प्लस है ना, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी ये मूवी देखने मत जाओ। रीजन, इसमें डायरेक्ट वॉयलेंस दिखाया गया, ठीक है, और वो वॉयलेंस मतलब उसमें जो आप यकीन नहीं करेंगे, रियलिटी में बताता हूँ, अगर आप लोग को मीन्स किसी को बुरा लगा उसके लिए माफी पहले से मांग लेता हूँ। उसमें अनुपम खेर को जो बीमारियां होती हैं जिससे उसको बहुत दिक्कतें होती हैं, शॉक लगता सब कुछ होता है, क्योंकि उसने वो चीज जी होती है, उसकी एज भी लगभग इतनी होती है 50 के आसपास अनुपम खेर की, ठीक है, और उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, वो लगातार पागल ही होता चला जाता है, ठीक है, लास्ट तक मतलब थोड़ा सा मतलब मेंटली डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि उसको फिर यहां तक इतना हो गया था कि आर्टिकल 370 हट भी जाता है लेकिन उसको पता भी नहीं चलता है, और वो डिस्टर्ब रहता है काफी, क्योंकि उसके साथ इतना बुरा उसने देख लिया था कि मतलब पॉसिबल ही नहीं वो सही हो सके। और पहली बात तो मतलब, और मैं कहूंगा कि यार जिसकी भी मतलब थोड़ा सा हार्ट रिलेटेड या कोई भी डिजीज है आपको ना, तो प्लीज यार ये मूवी आप मतलब या तो कब यूट्यूब पे आ रही हो, यूट्यूब पे नहीं किसी टीवी पे आ रही हो तो आप देख लें, क्योंकि वो वाले सीन्स को थोड़ा सा ब्लर करेंगे, कुछ तो करके दिखाएंगे। हॉल में डायरेक्ट सीन दिखा दिए यार, गोली लगते हुए दिख रही है, जो एक्चुअल में बच्चों के लिए भी यार और एडल्ट के लिए भी मतलब सही नहीं है, क्योंकि ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में ऐसी चीजें आती हैं सीन्स। देखो आपको उनकी स्टोरी सुन के बहुत बुरा लगेगा, मुझे भी लगा, लेकिन यार प्रेजेंट में अगर देखें
तो प्लीज यार आप लोग जो एज, मतलब कि मैं प्रेजेंट इंस्टेंस बात कर रहा हूँ, जिनकी एज थोड़ी सी मतलब ज्यादा है ना, प्लीज यार वो लोग मत जाएं। और क्योंकि यार मुझे नहीं पता है, ये किसी ने बोला ही नहीं यार इस चीज के लिए, पूरे कहीं यूट्यूब पे नहीं पड़ा है कि जिस किसी ने बोली हो। यार जिनकी भी यार कोई बीमारी है ना, प्लीज मत जाओ ये मूवी देखना, क्योंकि यार ये मूवी बहुत ज्यादा वॉयलेंस के साथ है। वॉयलेंस इज नॉट अबाउट कि केवल आपको गोलियां चलती हुई दिख रही हैं, गोलियां लगती हुई निकलती हुई दिख रही हैं, वो भी रियलिटी में लग रहा है कि बिल्कुल मार ही दिया सामने, पिस्टल से शूट आउट किया उसने, सारे लोगों को मारता चला गया, वो दिख रहा है, कोई ब्लर नहीं, कुछ भी नहीं, लोग मरे पड़े, छेद हो गया खोपड़ी में, बहुत ज्यादा चीजें दिखाई गई वॉयलेंस वाली। तो प्लीज यार इन सबको आप इग्नोर कर सकते हो, तो अगर आपकी एज नॉर्मल है और आप ये सब झेल सकते हो गो अहेड, लेकिन यार अपने पेरेंट्स को उन लोग को ट्राई करो कि मत ले जाओ, ठीक है। ये जस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बुरा लगाओ आई एम सॉरी, लेकिन हाँ रियलिटी यही है। मैं नहीं चाहता किसी घर में ऐसा हो कि मेडिकल केसेस चालू हो जाए, ठीक है, क्योंकि इतने वॉयलेंस वाली पिक्चर इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड फॉर चाइल्ड, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए रिकमेंडेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये चीज शायद मीडिया को चलाना चाहिए हर जगह कि ये रिकमेंडेड इन लोगों के लिए नहीं, यूथ के लिए है, आई एग्री, यूथ को पता होना चाहिए हर चीज, और जब बच्चे बड़े हो जाए तो उनको दिखाया जाए, बुजुर्गों को एक तरह से स्टोरी सुनाई जाए, ठीक है, उनको ये वीडियोज नहीं दिखाया जाए, ये वीडियो सही नहीं है उनके लिए, ठीक है। चलिए सो ये मेरे तरफ से रिव्यू था कि मतलब ये एक चीज है जो आप बोल सकते हो कि इसको पिन पॉइंट लेके चलिए और आगे जब भी जाएं तो मतलब इस चीज को ध्यान रखें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज मैंने आपको शनि भगवान जी के जो मेरे घर के पास हैं उनके दर्शन कराए, और कभी आपको फिर पूरे शनि भगवान मंदिर का पूरा ढंग से दर्शन कराएंगे अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। और हाँ प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, फैमिली बढ़ानी है यार, बहुत बढ़ानी है, सब्सक्राइब करो।